यहाँ पे बहुत कॉमन लग रही है, वहाँ पे आपको जाते ही दिखता रहेगा, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा सा। गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके हेयर में डैंड्रफ वगैरह है, लाइक देख सकते हो, अगर विंटर का सीजन आ गया तो बिकॉज आपके ज़्यादा करके मोस्टली डैंड्रफ वगैरह हो रहता ही है एंड डैंड्रफ की वजह से आपका हेयर फॉल होगा एंड हेयर थिनिंग होगा, हेयर ग्रोथ नहीं होगा एंड काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकती है आपका हेयर में। जैसे मैं देख सकती हूँ, मेरा अगर मैं ऐसा करूँगा, अभी आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ तो उसमें मेरा कितने सारे डैंड्रफ निकलते हैं, तो मैं वो घर के नुस्खे से उसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो मैं यूज करने वाला हूँ 3 दिन पुराना दही, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एक नींबू निचोड़ के डाला है, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट स्कॉल्प पे लगाने वाला हूँ बिकॉज इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, हेयर शाइनी रहेगा। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका हेयर ग्रोथ होएगा, थर्ड हेयर फॉल नहीं होएगा एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डैंड्रफ हट जाएगा। विंटर के टाइम में कौन बहुत सारा डैंड्रफ रहता है बिकॉज सबको डैंड्रफ होता है, तो मैं को देख सकते हो मेरे को बहुत सारा डैंड्रफ यहाँ पे, ऐसे करेंगे तो पूरा मतलब गिरते रहता है। तो फटाफट अपन इसको लगाते हैं एंड फिर नीचे मिलते हैं। इसको 8 से 10 मिनट तक लगा के रखना है, फिर मतलब मसाज करना है, फिर बिकॉज जहाँ पे डैंड्रफ वगैरह रहता है तो लगा के फिर वॉश करना है, फिर उसके बाद नीचे। Turn left onto SH43. Okay, so guys, background देखो and guess करो हम लोग कहाँ पे आए and जैसे hair देख लो मेरा, बिकॉज सुबह का प्लान कुछ और ही था एंड फिर आफ्टरनून के बाद प्लान कुछ और चेंज हो गया, तो अभी गेस करो कहाँ पे आए हम लोग, देख लो बैकग्राउंड एंड यहाँ पे है हम। सो अभी ऊपर जाना है अभी अपन को, तो यहाँ से देखो ये वाला रोड देखो कैसा है पूरा, एकदम मतलब 45 डिग्री पे। अच्छा ऊपर गाड़ी हम लोग की चढ़ नहीं पाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे वीडियो रुक के थोड़ा शूट किया एंड सुबह बहुत अलग था, तो अभी आगे ऊपर जाते बहुत मजा आएगा। मतलब सिर्फ ये देखो, सिर्फ आई थिंक ऐसा लगता है ये गेस्ट हाउस है। ओके सो आई थिंक मैं अंदर दिखाता हूँ अभी क्या है अंदर कुछ। तो ये यार यहाँ पे क्या है, तो गाइस अभी अपन माथेरन हिल स्टेशन पे पहुंच गए एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो। सबसे पहले तो स्कूटी से आ सकते हो, बाइक से आ सकते हो, इसके बाद कार से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, लाइक आप प्राइवेट जेट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, अपन इससे भी आ सकते हो। मतलब यहाँ पे सिंपल सीधी है, स्कूटी से आओ बेस्ट है, नज़दीक स्टेशन है, लोकल स्टेशन है, आप नेरल स्टेशन से आ सकते हो। लाइक नेरल स्टेशन से आपको 10-12 किलोमीटर पड़ेगा एंड ओवरऑल लोकेशन अभी बहुत ही बॉम है। अभी आगे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जिस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत शॉर्टेज है बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क 0 बता रहा है मेरा आइडिया का सिम कार्ड एंड फिर इसमें एयरटेल का सिम कार्ड है, दोनों में नेटवर्क नहीं बता रहा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत है, वहाँ पे देख सकते हो पे बंदर है, मतलब मंकी को कैसा वहाँ पे मतलब कुछ मतलब बहुत मस्ती करते हैं। लाइक अभी हम लोग ने उसको खाने को दिया था, सो अभी अपन आगे जाते हैं एंड पॉइंट वगैरह देखते हैं। बहुत मतलब आई मीन बहुत एक्साइटेड है, लेकिन सच बताओ तो बहुत चलना पड़ा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आने के लिए। माथेरन इतना बड़ा है हम लोग को पता ही नहीं था, लाइक यहाँ पे हर एक पॉइंट में 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो अभी हम लोग इस तरफ सनसेट है एंड यहाँ पे इस तरफ एको पॉइंट है, तो अभी हम लोग एको पॉइंट पे जाने वाले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यू बेस्ट व्यू आता है। सो फटाफट अभी उस तरफ ही चलते हैं बिकॉज ये सनसेट पॉइंट है, सनसेट के लिए अभी बहुत टाइम है, अभी 3:30 हो रहा है अराउंड, तो सनसेट के लिए अभी कुछ 6-7 o'clock होएगा, तो अभी फटाफट एको पॉइंट जाएंगे हम लोग, फिर एको पॉइंट में देखते हैं अपन वहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो तब तक आप सिनेमैटिक इन्जॉय करो अपन, तब तक आप यहाँ पर आगे जाते हैं।
गाइस व्यू देखो सुप्रिया का, एंड दिखाने के चक्कर में यहाँ से लाइक यहाँ से व्यू देखो, एंड यहाँ से पूरा बहुत ही डीप है और यहाँ पे भी इस तरफ भी है, एंड इसके यहाँ पे मतलब बहुत ही ये स्लिम एरिया है। लाइक ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये लगाया था, बैरिकेड लगाया बिकॉज आने के लिए नहीं यहाँ पे, यस यहाँ पे से बैरिकेड लगाया, एंड अभी अपन यहाँ से व्यू ऊपर जाने का है, एंड यहाँ से व्यू व्यू देखो सिर्फ व्यू, एंड ऑब्वियसली एक चीज कॉमन मेरे को वहाँ पे दिखी, एंड वहाँ पे देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, एंड किसी ने तो वहाँ पे रखा है। लाइक कैसे गया रहेगा कॉमन यार वहाँ पे उतना दूर जाने के लिए, कैसे चढ़ के गया रहेगा। देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ से दिख सकता है आप, मतलब कोई भी कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है लाइक, तो मतलब सैल्यूट है एंड वो इंसान को एंड शिवाजी महाराज को, लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके सो गाइस अभी अपन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। लाइक व्यू देखो एंड सनसेट देखो, टाइम लैप्स लगा दिया मैंने, तो आज वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं। एंड सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, एंड अभी अपन नीचे चलते फटाफट, एंड लाइक अभी तो 6:30 हो गए, एंड जाते जाते मेरे को लगता है रात हो जाएगी। चलो बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब करने को बोलो सब्सक्राइब, को बोलो लाइक।